हेलो बच्चों, इसके पूर्व में हम संख्याओं को घर में एक अंक को छोड़कर जितने भी शून्य थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे एक के बाद अगर एक शून्य लगा हो तो उसको 10 कहते हैं, एक के बाद अगर दो शून्य लगा हो तो उसको 100 बोलते हैं, एक के बाद अगर 3 शून्य लगा हो तो उसको 1000, उसी तरह 2000 और 5000। यानी यहाँ पर एक अंक एक अंक को छोड़कर बाकी सारे शून्य हैं। अब हम ऐसी संख्याओं के बारे में जानेंगे जिसमें शून्य न होकर बाकी सारी संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 1000 पे 4 है, सैकड़े पे 5 है, दहाई में 6 है, इकाई पे 7 है। यानी 1000 पर 4 है तो 4000, सैकड़े पर 5 है तो 500, दहाई पर 6 है तो 6, इकाई 7 यानी 6, इकाई दहाई मिला के हो गया 67, यानी 4567। इसको लिखेंगे 4567। उसी तरह दूसरा अंक है जहाँ 1000 पर 9 है, सैकड़े पर 7 है, दहाई पे 3 है, इकाई पे 4, इसको पढ़ेंगे 9734। उसी तरह ये है 1000 पे 5, सैकड़े पे 6, दहाई पे 7, इकाई पे 3, हो गया 5673। इसको शब्दों में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह शब्दों को अंकों में लिखने के लिए यहाँ पर लिखा है 2312, इसको कैसे करेंगे, 1000 पे 2 है 2000, उसको लिखेंगे 2 के बाद 3 शून्य, ये 2000 हो गया। उसके बाद 300 है यानी 3 के बाद 2 शून्य, ये 300 हो गया। 12 हो गया, ये इकाई दहाई मिला के 12 10 दहाई दो इकाई। अब इसको हम जोड़ेंगे 2 1 3 2, अंकों में इस तरह लिखाएगा 2312 2312। उसी तरह की है 7875, 1000 कितने हैं, 7 हैं, तो ये 7 के बाद 3 शून्य, 7000। 100 पर कितने, 8, तो 8 के बाद 2 शून्य, 800 और 75, 7 और 5, इसको जोड़ेंगे 5 7 8 7, तो ये ऐसे दिखाएगा अंकों में 7875 7875। इस तरह हम कैसे शब्दों में और अंकों में लिखा जाता है ये आज सीखें।